हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर. दिस इज डॉक्टर आर एस मौर्या एंड टुडे वी आर हैविंग अगेन द एडवर्ब एंड वी विल सी हाउ टू स्पॉट द एरर्स इन द केस यू हैव टू करेक्ट द सेंटेंसेस एज गोज इन द एग्जामिनेशन एंड कंपटीशन. So let's have look. The first rule is that when you have subject and verb and then certain verbs are there, after that for example subject plus verb and plus object and not adverb. कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसके पास वर्ब आते हैं और वर्ब्स के बाद जो है एडवर्ब नहीं लगता, एडजेक्टिव लगता है. इस तरह के वर्ब होते हैं जैसे फील, फील और फील के बाद है सीम, लुक, अपीयर, साउंड. Sound like this. There are some few verbs. After the subject, if they come, तो यहाँ पर आपको adjective आएगा. हाँ, not adverb. जैसे देखिए, he looks. Sad. He looks sadly. गलत है. तो sadly जो है verb. He looks sadly गलत है. ये क्या होगा? He looks sad. ये गलत हो गया. This is wrong. इसका होगा he looks sad. Yes, sad is adjective. Sadly is adverb. तो इन जो verbs है इनके पहले सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, इसके बाद जो है एडजेक्टिव आता है, एडवर्ब नहीं आता है. तो जैसे ही साउंड्स करेक्टली गलत है. ही साउंड्स करेक्टली ये गलत है. करेक्टली एडवर्ब है, यहाँ एडवर्ब नहीं होगा बल्कि ये गलत है. सही होगा करेक्ट. ही साउंड्स करेक्ट. ऐसे द फूड टेस्ट स्वीटली गलत है. द फूड टेस्ट स्वीटली गलत है. द फूड टेस्ट स्वीट ये सही है. तो एक ये इस तरह के मिस्टेक्स पॉसिबल हैं जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं. सेकेंड टाइप के जो मिस्टेक्स पॉसिबल हैं और पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, वो हार्डली और हार्डी और स्केयर्सली को लेकर. ये दो एडवर्ब होते हैं, हार्डली एंड स्केयर्सली. दोनों का मतलब एक ही होता है. स्केयर्सली इसका मतलब होता है, हार्डली मतलब इसके असली मतलब तो होता है मुश्किल से. इसको हिंदी में कहते हैं मुश्किल से. और ये सब मुश्किल से ये निगेटिव है, ये जो है निगेटिव है. तो इसके साथ जो है नॉट का प्रयोग नहीं होता. नॉट का प्रयोग नहीं होता. हार्डली और स्केयर्सली के बाद नॉट का प्रयोग नहीं होता. जैसे हाँ, जैसे हार्डली आई डोंट हार्डली नो दिस गर्ल. आई डोंट हार्डली आई
hardly know. Hardly know this girl. ये गलत है, ये sentence जो है गलत है, इसमें ये negative का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि hardly खुद negative शब्द है। इसका हो गया मैं मुश्किल से उस लड़की को जानता हूँ या मैं नहीं के बराबर जानता हूँ, तो do not का प्रयोग यहाँ गलत है। scarcely भी लिखा होगा तो वहाँ पर do not का प्रयोग नहीं कीजिएगा, ये गलती गलत माना जाता है। तो और तब देखते हैं दूसरा, देखिए दूसरे तरह की जो गलती हो सकती है, वो दूसरे तरह की जो गलती हो सकती है वो हाँ कुछ ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जिनका स्थान जो है मिड पोजीशन में आता है। एडवर्ब जो है ये तीन जगह रखा जाता है, बिगनिंग में भी रखा जा सकता है, मिड में भी रखा जा सकता है, और जो है लास्ट में भी रखा जा सकता है, रखा जाता है। तो ये जो हम एडवर्ब्स लिख रहे हैं इनको बीच में नहीं रखा जाता, सॉरी शुरू में नहीं रखा जाता और लास्ट में नहीं रखा जाता, वो है ऑलवेज। इनका पोजीशन जो है ये ऑलवेज, नेवर, ऑफन, ऑफन, जनरली, तो इनका जो है ये मिड पोजीशन में ही आते हैं। जैसे ही ऑलवेज इज अर्ली, तो ही ऑलवेज इज अर्ली, ये सही है क्या? ही ऑलवेज इज अर्ली, ही ऑलवेज इज अर्ली, ये गलत है। सही क्या होगा? ही इज ऑलवेज अर्ली, ही इज always early, ये यहां पर आया, he is always, always का स्थान जो है बीच में है। इस तरह से और भी, जैसे he is always early, ये गलत है। जैसे सी डिड इट नेवर, सी डिड इट नेवर, तो ये भी गलत है। सी डिड इट नेवर, ये सही नहीं हो सकता। सी डिड इट नेवर, ये गलत है। इसका सही होगा सी नेवर डिड, सी नेवर did it। तो मिड पोजीशन में ये रखे जाते हैं। इसके बाद जो है अब देखते हैं कि नियरली, क्वाइट, हार्डली, टू, अब ये एक एडवर्ब जो है ये टू का ज़्यादा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, टू का प्रयोग बताते हैं। टू मतलब होता क्या है? टू का शाब्दिक अर्थ होता है, टू का जो शाब्दिक अर्थ होता है ये होता है मोर दैन एनफ। टू का मतलब होता है मोर दैन एनफ, आवश्यकता से अधिक, तो इसका आवश्यकता से अधिक, मोर देन एनफ। जैसे द वाटर ऑफ द रिवर इज टू प्योर, द वाटर ऑफ दिस रिवर इज टू प्योर, तो ये गलत है। सही क्या होगा?
द वाटर ऑफ दिस रिवर इज वेरी प्योर, ये करेक्ट है, द वाटर ऑफ दिस रिवर इज वेरी प्योर, ये सही है। जैसे ही इज वेरी ब्लाइंड टू रीड स्मॉल प्रिंट, ही इज ब्लाइंड टू रीड स्मॉल प्रिंट, अब यहाँ पर टू का प्रयोग है, ही इज टू ब्लाइंड टू रीड द स्मॉल प्रिंट, ही इज टू ब्लाइंड टू रीड द स्मॉल प्रिंट, तो सही इसका यह होगा। जैसे द हाउस इज टू मच स्मॉल फॉर मी, द हाउस इज टू मच स्मॉल फॉर मी, द हाउस इज वेरी मच स्मॉल फॉर मी, तो टू और वेरी का प्रयोग आप अच्छे से कीजिएगा। टू का मतलब होता है मोर देन इनफ, आवश्यकता से अधिक, और वेरी का मतलब होता है अधिक। और एक एक वर्ड है क्वाइट, क्वाइट मतलब होता है, ये एडवर्ब है क्वाइट, इसका मतलब होता है कंप्लीटली, क्वाइट का मतलब होता है कंप्लीटली, Q U I T E क्वाइट। इसका मतलब होता है पूरी तरह से, कंप्लीटली। तो इसमें गलती क्या होती है, जैसे ही इज वेरी फ्रेंड, सॉरी आम ही इज ऑलमोस्ट क्वाइट वेल, हाँ इस तरह की मिस्टेक होता है, ही इज ऑलमोस्ट क्वाइट वेल, तो यह अपने में परफेक्ट है, ही इज ऑलमोस्ट क्वाइट वेल, तो ये जो है क्वाइट अपने में परफेक्ट है, तो इसकी जरूरत नहीं होती आप, ये सही गलत है, ही इज क्वाइट वेल सही है, इसमें ऑलमोस्ट लगाने की जरूरत नहीं होती, तो ये एक तरह का एडवर्ब है क्वाइट, क्वाइट। जैसे आई एम क्वाइट सॉरी, तो यहाँ पर आई एम वेरी सॉरी होना चाहिए, क्वाइट नहीं, आई एम वेरी सॉरी टू हियर दैट द क्लाइमेट इज क्वाइट इंजूरियस, द क्लाइमेट इज वेरी इंजूरियस, ये सही है। और ही इज वेरी फ्रेंडली इनफ, तो इनफ मतलब ही होता है आवश्यकता से अधिक, मोर देन दैट, तो ही इज वेरी फ्रेंडली इनफ टू मी, तो इसमें वेरी को न लगाएं तो अच्छा होगा, ही इज वेरी फ्रेंडली इनफ टू मी, ही इज वेरी फ्रेंडली इनफ टू मी, तो इसको ऐसे नहीं करेगा, जैसे पूछा जाएगा ही इज वेरी फ्रेंडली टू मी, friendly to me, he is very enough friendly, ये real sentence है, he is very friendly enough to me, friendly enough to me, friendly enough में, ये गलत है, ये गलत है, तो इसका सही क्या होगा, ही इज वेरी फ्रेंडली टू मी, ये गलत है, और इसका सही क्या होगा, इसका सही होगा ही इज फ्रेंडली इनफ, ही इज फ्रेंडली इनफ टू मी, इसका सही होगा वेरी नहीं होगा, क्योंकि
ये इसका मतलब भी वही होता है, तो इसका प्रयोग ऐसे होगा, ही इज फ्रेंडली एनफ टू मी, ही इज फ्रेंडली एनफ टू मी, ये सही है और ये गलत था। वेरी और एनफ एक साथ प्रयोग में नहीं आते हैं। तो एनफ का अर्थ होता है पर्याप्त मात्रा में, और वेरी का मतलब ही होता है मच, तो ये नहीं आएगा। जैसे ही ईगरली विशेस टू डू इट, ही ईगरली विशेस टू इट, इसमें एडवर्ब को उसके पहले रखते हैं जिसकी वो विशेषता बताता है। ये ऐसे समझना, ही इज एनफ विशेस टू डू इट, ही इज ईगरली विशेस टू, यस ही इज ईगरली विशेस टू, ही इज ईगरली विशेस टू डू इट, ये गलत है। क्यों गलत है ये समझिए, ईगरली मतलब होता है उत्सुकता पूर्वक, ईगरली, और ये विशेषता बता रहा है, तो ये इसका क्रम बदल गया, देखिए ये होना ही विशेष ईगरली, ये इसकी विशेषता बता रहा है टू डू इट, तो इसको जो है पहले रखना चाहिए, ऐसे इसको लिखेंगे, ही के बाद जो है विशेष होगा, ये वर्ब हो गया, और इसके बाद तब ईगरली लिखिए, ईगरली, ही विशेष ईगरली टू डू इट, टू डू, टू डू, अब ये सही हो गया, ये गलत हो गया। तो इस तरह से और भी देख सकते हैं, सी sang लास्ट नाइट ब्यूटीफुली, सी sang लास्ट नाइट ब्यूटीफुली, इसमें क्या ऑर्डर में कर दिया है, सी sang लास्ट नाइट ब्यूटीफुली। अब ये जो है ये ब्यूटीफुली वहां आना चाहिए जिसकी विशेषता बता रहा, जिसने यहां, अगर आप यहां लिखते सी sang ब्यूटीफुली तो ये सब सही होगा, सी sang ब्यूटीफुली, लास्ट नाइट बाद में रखी, ये सही है और ये गलत है। तो इस तरह से हम एरर्स को स्पॉट करते हैं और देखते हैं। और इस तरह का हो सकता है कि कभी कभी होता है कि कुछ एडजेक्टिव होते हैं जो पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करते हैं, पूरे सेंटेंस को, तो उनको आप जो है बीच में या अंत में या नहीं रखें, बीच और अंत में नहीं रखें। जैसे एक सेंटेंस लीजिए, नो वन सा अस देयर फॉर्चुनेटली, नो वन सा अस देयर फॉर्चुनेटली, no one saw us there unfortunately, unfortunately,
गलत है। नो वन सा अस देयर, ये तो सही है, इतना सही है, लेकिन ये जो अनफॉर्चुनेटली है पूरे वाक्य को क्वालिफाई करता है, इसलिए इसको यहाँ पर लिखना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली नो वन सा अस देयर, इसको इधर लिखना चाहिए। ये पूरे सेंटेंस को ये क्वालिफाई करता है, इसलिए इसको पहले लिखा जाता है, लिखना भी चाहिए। ये अनफॉर्चुनेटली नो वन सा अस देयर, अनफॉर्चुनेटली नो वन सा अस देयर। तो एक तो ये हो गया। एडवर्ब पूरे वाक्य चाहिए, जब इनफाइनाइट वर्ब हो तो एडवर्ब को बाद में लिखा जाता है, जैसे ही क्विकली रन, ये गलत है। ही क्विकली रैन या रन जो भी लिखे, ही क्विकली रैन, तो ये यहाँ गलत है, तो इसको जो है बाद में लिखा जाता है। ही रैन क्विकली ऐसे भी लिख सकते हैं, या ही रन क्विकली, तो ही रैन क्विकली एडवर्ब है, हाँ रैन क्विकली, ये सही है। बीच में इसको नहीं रखा जाता, जो वर्ब जो है ये फाइन इंट्रांजिटिव वर्ब जो है उनको जो है इस तरह से लिखते हैं। अच्छा, अब वनली एडवर्ब है, इसको उसी के पहले रखा जाता है जिसको वो क्वालिफाई करता है। जैसे I eat only when I feel angry, मैं तभी खाया हूँ जब हमको भूख लगती है, तो इसको कई जगह से रखा जाता है, जैसे वनली आई ईच वेन आई एंग्री, अगर यहाँ वनली लिखे तो ये गलत होगा। सही लिखने के लिए आई ईच वनली या आई वनली ईच गलत होगा। अगर आप लिखें आई वनली ईच, ये सही है। अगर आप लिखें आई वनली ईच तो ये गलत होगा, ये गलत हो जाएगा। तो मैं तभी खाता हूँ जब भूख लगती है, आई ओनली ईट व्हेन। तो ओनली का बहुत ज़्यादा पूछता है, बहुत जगह इसका प्रयोग होता है, जैसे आई ओनली वर्क टू सम, तो आई वर्क ओनली टू सम, I work only to some। मैंने सिर्फ दो हिसाब लगाया सम्स। तो अगर आप यहाँ लिखिए I only work, यहाँ लिख देखते हैं तो गलत होता है। ये सही है, I only
आई वर्क वाली टू सम ये सही है, आई वाली वर्क टू सम ये गलत होता है। तो इसको भी हम इसमें देखते हैं। आई हिट हिम हार्डली ये गलत है, आई हिट हिम सही है। और इसको हार्डली नहीं लिख सकते, अगर एडजंक्ट लगाना है तो हार्ड और कल बताया था हार्ड एंड हार्डली एक ही जैसा आता है। आई हिट हिम हार्ड ये सही है, आई हिट हिम हार्ड ये आई जैसे आई हिट हिम हार्डली गलत है। हार्डली गलत का यहाँ दूसरा कुछ हो जाएगा, सही होना चाहिए आई हिट हिम हार्ड। कठोरता से कड़ाई से हार्ड मतलब होता है ये, हार्डली मतलब होता है मुश्किल से, तो ये गलत है ये सही है आई हिट हिम हार्ड। और डबल निगेटिव का प्रयोग नहीं होता, आई हैव नॉट गॉट नो पेपर फॉर माई एक्सरसाइज, आई हैव गॉट नो पेपर फॉर माई एक्सरसाइज, तो ये डबल है, दो बार होना चाहिए आई हैव नॉट गॉट एनी पेपर, नो पेपर कैसे है एनी पेपर, आई हैव गॉट नॉट एनी पेपर फॉर माई एक्सरसाइज। आई फॉरबेड यू नॉट टू इंटर दिस रूम, तो फॉरबेड जो है वो निगेटिव है, इसके साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता है, फॉरबेड जो है निगेटिव है, आई फॉरबेड यू टू इंटर द रूम होगा ये सही है। दैट विल नॉट स्टॉप हिम नथिंग नेवर डू, दैट विल नॉट स्टॉप हिम नथिंग इवर डू, तो ये सब आगे बढ़ते हैं। हाँ सेल्डम आर नेवर इसका प्रयोग होता है, सेल्डम आर इवर गलत है, सेल्डम आर इवर का प्रयोग गलत है, सेल्डम आर नेवर का प्रयोग सही है। सेल्डम आर इवर सेल्डम आर इवर ये गलत होता है, अगर आ गया है इसको हटा दें, सही होगा सेल्डम आर नेवर, नेवर सेल्डम के साथ नेवर का प्रयोग होता है, सेल्डम भी निगेटिव निगेटिव होता है, सेल्डम आर नेवर। एग्जाम्पल जैसे आई सेल्डम आर इवर रिफ्यूज ए रिक्वेस्ट, आई सेल्डम आर इवर तो इसका होगा आई सेल्डम आर नेवर रिफ्यूज ए रिक्वेस्ट, तो इसको होता है। एडजेक्टिव कंपेरेटिव डिग्री में रहे तो मच क्वालिफाई करता है, किंतु पॉजिटिव में है तो वेरी का प्रयोग होना चाहिए। जैसे द एयर इज वेरी हॉटर टुडे देन यस्टरडे, तो द एयर इज मच हॉटर देन टुडे देन यस्टरडे। टॉम इज वेरी बेटर टुडे ये गलत है, टॉम इज मच बेटर टुडे ये सही है। और इसके बाद ये देखें कि दो सुपरलेटिव डिग्री का जो है एडवर्ब एक साथ नहीं आता, जैसे ही इज कंपेरेटिवली बेटर टुडे ये गलत है, क्योंकि दो सुपरलेटिव डिग्री एक साथ आ गया, ही इज कंपेरेटिवली बेटर टुडे ये गलत ऐसे पूछा जाता है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है ही इज कंपेरेटिवली बेटर, ही इज कंपेरेटिवली बेटर, बेटर का मतलब ही होता है कंपेरेटिवली, दोनों का मतलब एक होता है, ही इज कंपेरेटिवली बेटर टुडे, तो
दोनों का मतलब एक होता है तो इसको हटा दीजिए, सही होगा इसका ही इज बेटर, ही इज बेटर, ही इज बेटर, ये सही, ये सही, ही इज बेटर। कंपैरेटिवली बेटर नहीं लिखिए, उसको बेटर लिखिए। अच्छा, एक और चीज है, जैसे इस तरह से, जैसे आई डू नॉट नो टू डांस, ये गलत है, अगर इसको आ गया, जैसे आई डू नॉट नो टू डांस, आई डू नॉट नो टू डांस, ये गलत है। इसका सही क्या होगा, आई डू नॉट नो हाउ टू डांस, मैं कैसे नाचा जाता है ये नहीं जानता, कि इसका टू डांस के जगह होगा हाउ टू डांस, हाउ टू डांस, ठीक। और जैसे आई डू नॉट नो टू स्पीक इंग्लिश, ये गलत है, आई डू नॉट नो टू स्पीक इंग्लिश, ये गलत है। इसका सही क्या होगा, आई डू नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, आई डू नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, ये सही है। तो इस तरह के एक ही भी गलती होती है। अच्छा, जब एज पूछना है तो एज में, जैसे अगर कोई व्हाट इज योर एज, ऐसा नहीं पूछा जाता, इस पूछा जाता हाउ ओल्ड आर यू, ये सही चीज़ है। देखिए उसको, प्रश्न और उत्तर दोनों में गलती होती है। जैसे अगर किसी का एज पूछना है तो व्हाट इज योर एज अच्छा नहीं है, नहीं पूछना चाहिए, पूछिए हाउ ओल्ड आर यू, ये सही है, आप कितने साल के हो, ये सही क्वेश्चन है। और उसके उत्तर में दो तरह का उत्तर होता है, तो आप कह सकते हो कि आई एम सिक्सटी सही है, आई एम सिक्सटी, ये सही है, आई एम सिक्सटी सही है, मैं 60 का हूँ, ये सही है। और फिर या तो आप कहिए आई एम 60 ईयर्स ओल्ड, आई एम 60 ईयर्स ओल्ड, ऐसे आई एम 60 ईयर्स ओल्ड, ये भी एक्सप्रेशन सही है, आई एम 60 ईयर्स ओल्ड, दोनों एक्सप्रेशन सही है। और क्या गलत है कि ही इज 35 ईयर्स, अगर हम सिर्फ कहें आई एम 60 ईयर्स तो गलत है, आई एम 60 ईयर्स गलत है, नहीं है होना चाहिए, या तो कहिए आई एम 60 सही है, या तो कहिए आई एम 60 ईयर्स ओल्ड सही है। और अगर कहिए ही इज 25 ओल्ड या 60 ओल्ड, ये भी गलत है। तो यही एक्सप्रेशन सही है, आई एम 60 और आई एम 60 ईयर्स ओल्ड, आप जो भी कहिए आई एम 50 ऐसे कहा जाता है। तो ये एक एक्सप्रेशन हुआ। और दे केम ऑलवेज लेट टू स्कूल, तो इसको भी आपको गलत है ऑर्डर में, दे ऑलवेज केम लेट टू स्कूल, ये सही है। कम एट 4 o'clock टू माई ऑफिस, ये गलत है, होना चाहिए कम टू माई ऑफिस एट 4 o'clock, ये सही है। आई वेंट देयर एट वंस सही है। तो इसे पोजिशन की गलती है, कहाँ लगाया जाता है, इसकी गलती थी। और अच्छा, मस्ट के जगह कभी कभी जो है वेरी का प्रयोग, जैसे कुछ चीज़ों में, जैसे द न्यूज़ इज मच इंटरेस्टिंग, तो ये गलत है,
न्यूज़ इज मच इंटरेस्टिंग गलत है, इसका सही होगा द न्यूज़ इज वेरी इंटरेस्टिंग, द न्यूज़ इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये सही है। और जैसे द पिक्चर वॉज वेरी एडमायर्ड, तो द पिक्चर वॉज मच एडमायर्ड, ये सही है, द पिक्चर वॉज मच। तो वेरी प्रेजेंट पार्टिसिपल को क्वालिफाई करता है और मच मच जो है पास्ट पार्टिसिपल को क्वालिफाई करता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल को वेरी क्वालिफाई करता है, जैसे द न्यूज़ इज मच मच इंटरेस्टिंग, तो ये गलत था, इसका सही था द न्यूज़ इज वेरी इंटरेस्टिंग। और अगर पास्ट में होगा तो उसको बोलेंगे जैसे द पिक्चर वॉज वेरी एडमायर्ड, तो यहाँ पर द पिक्चर वॉज मच एडमायर्ड। तो पास्ट में मच का और प्रेजेंट में वेरी का प्रयोग होता है ये। और तो हाँ, ही रैन फास्टली गलत है, फास्टली नहीं होता, फास्ट होता। हमने बताया था कुछ जो ऐसे जिनका और एडजेक्टिव एडवर्ब जैसे एक ही जैसे होता, जैसे ही रैन फास्टली तो गलत है, तो सब में ली नहीं लगाना, इसमें आप ली नहीं लगाइए, ही रैन फास्टली गलत है, ये गलत है, ये एडजेक्टिव एडवर्ब समझ कर आप लगा रहे हैं, तो इसको होना चाहिए ही रैन फास्ट। ये रुक नहीं होता, फास्ट भी नहीं होता, ये इसका एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों एक जैसा होता है, ही रैन फास्ट ये एडवर्ब है, ये एडवर्ब है, क्योंकि ये इसकी विशेषता बताता है, वर्ब की विशेषता बताता है, ये भी बताता है लेकिन ये वर्ड नहीं एग्जिस्ट करता है, तो सही इसका होगा ही रैन फास्ट, ये सही है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइस, आप होप कि यू आर एंजॉयिंग द टीचिंग, और वी एक्सपेक्ट दैट कि आपको अच्छा लग रहा भी होगा। मेरे साथ बने रहिए, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अभी ये बहुत देर तक चलेगा, अभी तो कुछ भी नहीं है, 5% भी हमने नहीं किया, अभी मैं बहुत ही शॉर्ट में बहुत छोटे छोटे चीज़ पर आऊँगा और बहुत डिटेल में पढ़ाऊँगा। अभी आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू कम्प्लीट द बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, ओनली बेसिक्स, वेन आई कम टू माइक्रो ऑफ द इंग्लिश ग्रामर देन यू फाइंड मी दैट आई एम टीचिंग वेरी माइन्यूटली एंड केयरिंग ईच ऑब्जेक्ट वेरी माइन्यूटली। सो लेट अस वेट, टाइम इज कमिंग, टाइम विल शॉर्टली कम, यू विल बी हैविंग अनदर शॉर्ट ऑफ लेक्चर, वेरी सिंपल और वेरी सेटिस्फाइंग। अभी तो बेसिक तो जानना जरूरी है, जो आप पढ़ना चाहते हो वो भी जरूरी है, जो आप नहीं पढ़ना चाहते हो वो भी जरूरी था। तो बियर विथ मी एंड विल टेक यू टू गुड हाइट, थैंक यू वेरी मच।